क्या आपने कभी लफ्ज बहन को यूं के बजाय यूं लिखा है? नहीं। क्या आपने कभी किसी से लिख के ये कहना हो कि उसका चेहरा हसीन है तो आप चेहरा ऐसे के बजाय ऐसे लिखते हैं? हरगिज नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर आप इस तरह लिखेंगे तो वो क्या पढ़ा जाएगा? वो बहन नहीं, भन पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ऐसे के बजाय ऐसे लिखेंगे तो ये चेहरा नहीं, छुरा बन जाएगा। इस वजह से आप कभी भी ऐसा नहीं लिखते। इसी तरीके से आपने लिखना था फल, लेकिन आपने यूं नहीं लिखा बल्कि आपने यूं लिख दिया, तो ये फल नहीं है, ये पहल है। फल एक अलग लफ्ज़ है, पहल एक अलग लफ्ज़ है। इसी तरीके से अगर आपने किसी को लिखना है मेरा भाई और आप उसे यूं के बजाय यूं लिख देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा भी आपने कभी किया नहीं होगा, क्योंकि भाई को बेहाई थोड़ी बना देंगे। बेहाई का मतलब है कि वो मुसलमान नहीं है, बेहाई एक मज़हब का नाम है। इसी तरीके से आपने लिखना था कहा, लेकिन आपने लिख दिया यूं, ये कहा तो नहीं है, ये तो खा बन गया। कहा अलग लफ्ज़, खा अलग लफ्ज़ है। और इसी तरीके से आपने कहना था, आपने लिखना था ये मेरा घर है, लेकिन इस तरह के बजाय आपने इस तरह से लिख दिया, तो आपने क्या लिखा? ये मेरा गोहर है। गोहर एक अलग चीज़ है, घर एक अलग चीज़ है। तो हम इन चीज़ों में ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि जो हे आनी चाहिए वही हे इस्तेमाल करें। अगर हलवे वाली हे आनी है तो हलवे वाली आए, गोल वाली आनी है गोल वाली आए, अगर वो दो चश्मी आनी है तो दो चश्मी आए। इन लफ्ज़ों में हम ख्याल रखते हैं, लेकिन बाज़ लफ्ज़ों के साथ हम बड़ी ज़्यादती करते हैं। मसलन हमने अगर लफ्ज़ लिखना है दुल्हा या दुल्हन, तो इस लफ्ज़ में होना क्या चाहिए कि इसे दो चश्मी से लिखना चाहिए, मतलब यूं इसको लिखना दुरुस्त है, और यूं हाथी वाली से लिखना गलत है, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर हमने लफ्ज़ लिखना था चूल्हा, इसको भी इस तरह से दो चश्मी हा के साथ लिखना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ मशहूर हो गया है ये भी हाथी वाली हे के साथ। और इसी तरीके से आप देख लीजिए कोलू को भी हम दो चश्मी के साथ नहीं लिख रहे, जो कि गलत है। कुम्हार को दो चश्मी के साथ लिखना चाहिए था, हम उसको भी हाथी वाली हे के साथ लिख रहे हैं, ये भी गलत है। लेकिन ये जितने भी लफ्ज़ मैंने आपको बताए हैं, इनमें अगर कोई गलती हो जाती है तो वो ठीक है, अब सब कुछ चल रहा है तो ये भी चल रहा है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आज, जिसकी वजह से ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, वो क्या था? वो था कि जितने लफ्ज़ हैं ना, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, उन्हें, जिन्हें, ये सारे लफ्ज़ हम इन सब को लिखते हैं हाथी वाली हे के साथ, जबकि उसूली बात क्या है, दुरुस्त तरीन बात क्या है कि इन्हें दो चश्मी हे के साथ लिखा जाना चाहिए है। आप में से हो सकता है कि बहुत से लोग ये सोच रहे हों कि ये तो इस तरह से ही चल रहा है, तो चल तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुरुस्त तरीन क्या है? हमें अपने बच्चों को मश्क क्या करवानी चाहिए कि वो इन तमाम लफ्ज़ों को, यानी तुम्हारा, तुम्हें, उन्हें, उन्हों, जिन्हें, जिन्हों, इन तमाम लफ्ज़ों को दो चश्मी हे के साथ लिखा करें। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब उर्दू की देखिए, उसमें उन्होंने बिलुमूम एहतमाम के साथ दो चश्मी हे के साथ लिख रखे होते हैं ये अल्फाज। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम था वो इस्लाह तलफ़ुज़ का नहीं बल्कि इस्लाह इमला का प्रोग्राम था, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी काम करें वो अच्छे तरीके से करें। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आपकी लर्निंग हुई है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल की सब्सक्रिप्शन को भी कंसीडर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।